तुम चिल्ला रहे थे कंडक्टर का, 2 रुपए वापस लेने मेरे। धरती के भगवान तुम ही तो हो, तुम ही तो हो। वर्दी चंद जी को सलटने में कितना टाइम है? आग वाग जलती है, किसी को याद आता है? बिल्कुल सर, मैं सुनाऊं 4 पंक्तियां? हां सुनाओ। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। खूबसूरत बनाते हैं जिंदगी को और हसीन बनाते हैं जिंदगी की इन वादियों में कुछ ऐसी खुशबुएं हमारे लिए तैयार हैं जिन्हें देख के, आपके लिए खुशबुएं देखी कैसे जा सकती है? देख, खुशबुएं तो सिर्फ महसूस की जा सकती है, लेकिन जो चीज महसूस करते हैं उसे देखिए भी। कल्पना कीजिए कि चारों तरफ खुशबू फैली है, और जब कल्पना करेंगे कि चारों तरफ खुशबू फैली है तो खुशबू नजर भी आएगी, और जब खुशबू नजर आएगी तो हम इस खूबसूरत हसीन जिंदगी के लिए कहेंगे वाह भाई वाह। जिंदगी में जो आपस की बातचीत है ना, वो बड़ा मजा देती है। कोई दो लोग बात करते हैं, बड़ा मजा आता है। जैसे एक गर्लफ्रेंड और एक बॉयफ्रेंड आपस में बात कर रहे थे। सिद्धू जी, आपके जमाने में तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता नहीं था? था पक्का? आपके जमाने में जीएफ और बीएफ का मतलब एक ही होता था, 11वीं फेल 12वीं फेल। इसके ऊपर कुछ नहीं होता था। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में बात कर रहे थे, तो गर्लफ्रेंड का, सुनो ना मैंने रात को एक सपना देखा। है क्या देखा? हम दोनों साथ थे। हाँ साथ ही थे ना। तुम भी कैसी बातें कर रहे हो ना, कहाँ होंगे, साथ ही तो होंगे। सपने में हमने दोनों बस में जा रहे थे, बस बहुत तेजी से चल रही थी, बस जो तेजी से चली एकदम है ना, एक खाई से एकदम नीचे नदी थी, नदी में गिर गई बस, और जैसे ही नदी में बस गिरी सब चिल्ला रहे थे। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था ना, मैं तुम्हें आवाज दे रहा था ना, मैं नहीं, तुम चिल्ला रहे थे कंडक्टर का 2 रुपए वापस लेने मेरे। अब उसने बात याद रख ली, बदला तो निकालना ही था। तो जब दोनों का विवाह हो रहा था, उसने कहा आज बदला निकालने का अच्छा मौका है, निकाल लूंगा कहीं ना कहीं। तो जब विवाह की रस्म जो है वो लगभग हो गई पूरी, तो जो रस्म करवा रहे थे उनकी बारी आई कि उन्हें कुछ फीस दी जाए। तो उसने पूछा, लड़के ने बताओ क्या दूं मैं आपको? अरे क्या देना है, अपनी पत्नी की खूबसूरती के हिसाब से कुछ भी दे दीजिए। तो उसे बदला तो निकालना ही था, उसने 10 रुपए निकाल के दिए, और जैसे ही 10 रुपए दिए उसने लिए, अचानक हवा चली और उसकी बीवी का घूंघट उड़ गया। तो उसने कहा बाकी के पैसे भी ले जाओ यार। अब इसे गुस्सा आ गया, अब देखती हूं क्या होता है आगे। शादी हुई, कक्ष में पहुंचे, प्रथम रात्रि के सुहावने दौर में, तो जब पहुंचे ये पलंग पे बैठी थी, ये आया अंदर, सुनो अब विवाह के बंधन में हम लोग बंध गए हैं, ये जीवन तुम्हारा और मेरा साथ गुजरने वाला है, मेरे घर में जितने बुजुर्ग हैं तुम उनका सम्मान करना, बड़ों के हमेशा पांव छूना, छोटों से प्यार से बात करना, हमेशा मधुर वाणी में बात करना, किसी को काम के लिए मना मत करना, हमेशा सच बोलना। इतने में औरत खड़ी हो गई वहां से और जाके दरवाजा खोला, अंदर आ जाओ प्रवचन चल रहे हैं, अंदर आ जाओ सब। यानी कि बातचीत जो है वो जीवन में बड़ा मजा देती है, और ये लोग वो हैं जो हमें बड़ा मजा देने वाले हैं, क्योंकि इस अंदाज से बातचीत करते हैं कि आपके कि भाई क्या बात है। और सबसे पहले मैं बुलवाता हूं उनसे जिन्हें पहली बार हम वाह भाई वाह के मंच पे प्रस्तुत कर रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि जो पहली बार टेलीविजन पे वाह भाई वाह के मंच पे आ गया है तो सारे देश में छा जाएगा। इनका नाम है सर्जन शीतल, जो एटा उत्तर प्रदेश में हमारे बीच में। और सर्जन आपके गाँव का नाम क्या है? नगला डंबर। कितनी आबादी है? 250 लगभग, बहुत छोटा सा नगर। 250 लोगों का गांव। जी जी। और वहां से हम प्रतिभा को ढूंढ के लेके आए, तो सोचिए हमारी प्रतिबद्धता कितनी मजबूत है। हम ऐसी जगहों से भी प्रतिभाएं ढूंढ के लेके आते हैं और आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ये है सर्जन शीतल, बहुत बहुत धन्यवाद सर्जन। उनके पास जो बैठे हैं वो गढ़रावाला मध्य प्रदेश से, सचिन देवा।
और मैं इस व्यक्ति की तारीफ करूंगा जो वाह भाई वाह के मंच पे पहले भी आ चुके हैं, लेकिन तारीफ इसलिए मैं इनके पेशेंस की तारीफ करता हूं, इनके धैर्य की तारीफ करता हूं। ये पिछले 14 वर्षों से टेलीविजन पे आने के लिए प्रयासरत के इनकी कविताएं मुझ तक पहुंचे और मैं इन्हें किसी कार्यक्रम में आमंत्रित करूं, लेकिन कभी इन्होंने अधीरता नहीं दिखाई, कभी अधीर नहीं हुए। ये नहीं कि मुझे आना ही है, मैं क्यों नहीं आ रहा। 12-13 वर्ष के इंतजार के बाद सिद्धेश्वर सिद्धू वाह भाई वाह के मंच पे आते हैं और देश में छा जाते हैं। हम स्वागत करते हैं सिद्धेश्वर। आइए शुरुआत की जाए, और शुरुआत में हम सबसे पहले किसे बुलाएं? नेमा, सचिन नेमा, जोरदार तालियों के साथ। शैलेश जी, एक ऐसी विडंबना पे बात कर रहा हूं, 40 के बाद लगभग सबके साथ होती है, आप खुशकिस्मत हैं। बताएं, पहले तो तुमने कैसे तय कर लिया कि मैं 40 के बाद हूं? तुम विडंबना बताओ, बस इधर उधर मत जाओ। विडंबना सुनिए, फिर आप तय कीजिए कि आप 40 के बाहर हैं। बताओ। लगा रहे रोज योगासन, सांपों से फुसक रहे हम। फुसक रहे भाई, ये तो बुंदेलखंडी भाषा का जो आनंद है, वाह। ये बुंदेली शब्द है, वाह। कि लगा रहे रोज योगासन, सांपों से फुसक रहे हम। सवेरे रोज एक लोटा गरम पानी गटक रहे हम। सवेरे रोज एक लोटा गरम पानी गटक रहे हम। मगर ये तोंद कम कैसे हो हम जैसे लिलतों की। लिलतों की क्या शब्द ढूंढ के लाए हो, वाह। मगर ये तोंद कम कैसे हो हम जैसे लिलतों की। लिलतों मतलब चटोरा। कभऊं भजिया कभी पोहा कभी मीठा मसक रहे हम। कभी भजिया कभी पोहा कभी मीठा मसक रहे हम। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया सचिन। और एक और विडंबना है जी, बताओ। कि हमें किस्मत हमारी भी जो कैसे दिन दिखा रही है। दिखा रही है हाँ, किस्मत भी हमें कैसे दिन दिखा रही है। हमें किस्मत हमारी भी ये कैसे दिन दिखा रही है। जो भी एक बात मन में है जो रह रह के सता रही है। जो भी एक बात मन में है जो रह रह के सता रही है। जरा जे बाल क्या झड़ गए। सुनो सिद्धू जी। जरा ये बाल क्या झड़ गए, जरा ये तोंद क्या निकली। बराबर की पड़ोसन भी हमें अंगल बुला रही है। हमें अंगल बुला रही है। खैर सिद्धू जी, ये बाल वाले लोग जो है ना, हमारी पीड़ा नहीं समझ सकते। एक चलिए बुंदेली में एक गजल रखता हूं। तुम्ही तो हो, तुम्ही तो हो, मतलब तुम ही तो हो, लेकिन बुंदेली में उसका जो तलफ्फुज़ है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो तुम्ही तो हो। बहुत बढ़िया। सभी गुणों की खान तुम्ही तो हो। सभी गुणों की खान तुम्ही तो हो। तुम्हें तो हो सबसे शक्तिमान। तुम्हें तो हो। तुम्हें तो हो सबसे शक्तिमान। तुम्हें तो हो। और तुम तो गलती करते ही नहीं हो। तुम तो गलती करते ही नहीं हो। धरती के भगवान तुम्हें तो हो। तुम्हें तो हो। धरती के भगवान तुम्हें तो हो। तुम्हें तो हो। और बोलत जाओ तुम तो सुन है सब। बोलत जाओ तुम तो सुन है सब। बस एक ही विद्वान तुम्ही तो हो। तुम्ही तो हो। बस एक ही विद्वान तुम्ही तो हो। सब लग्गा पत्ता एक ही हीरो। सब लग्गा पत्ता एक ही हीरो। शाहरुख और सलमान तुम्ही तो हो। शाहरुख और सलमान तुम्ही तो हो। और अपनी तारीफें पे लग जाओ। पे लग जाओ। अपनी तारीफें पे लग जाओ। हर महफिल की शान
तुम्हें ही तो हो, तुम्हें ही तो हो, हर महफिल की शान तुम्हें ही तो हो, और हर एक समस्या को हल रखत हो, हर एक समस्या को हल रखत हो, इतने बुद्धिमान तुम्हें ही तो हो, और सीना चोड़ो माथो ऊंचो, सीना चोड़ो माथो ऊंचो, बातों में अभिमान तुम्हें तो हो, बातों में अभिमान तुम्हें तो हो, और गुणगान खुद के सुना सुना के, गुणगान खुदाई के सुना सुना के, बहरे कर दे कान, तुम्हें तो हो। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सचिन, बहुत बढ़िया। क्या बात है, लेकिन शक्तिमान तुम्हें तो हो, है ना। तो एक शेर मेरे दिमाग में यूं आ गया, सबे गुणों की खान तुम्हें तो हो, सबसे शक्तिमान तुम्हें तो हो, इसको देखूं उसको देखूं तिसको देखूं, लेकिन मेरी जान तुम्हें तो हो। आइए बढ़ते आगे, जो आपकी जान को फूल सा खिला देंगे, सिद्धेश्वर सिद्धू, जोरदार तालियों का। ऐसे बड़े महानगर में ऐसी ऐसी बातें हो जाती है। एक मेरे समधी के साथ एक सत्य घटना पर आधारित, ये घटना तो बहुत पुरानी है लेकिन उसको शब्दों में पिरोने का प्रयास किया है, सुनाएं। ए मेरे समधी वर्दी चंद, वर्दी चंद समधी जी का नाम, नाम वर्दी चंद, मेरे समधी चंद, सांसों की गति मंद, अस्पताल में भर्ती, अब भगवान की जो मर्जी, अब भगवान की जो मर्जी, डॉक्टर का अनुमान, वर्दी चंद कुछ मिनटों का मेहमान, डॉक्टर का अनुमान, ये सुन लुगाइयां रो 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 के छाती पीट पीट के शोर मचाया, बड़ी देर हो गई वार्ड के अंदर से कोई समाचार ही नहीं आया, बड़ी देर हो गई समाचार नहीं आया, रोती हुई लुगाइयां हो गई तंग, थोड़ी देर में रोना थोड़ा बंद। थोड़ी देर में जब ये हो गया, तब अब होना क्या हुआ, ये एक रिश्तेदार ने कंपाउंडर से पूछा, यूं तो भगवान की मर्जी के आगे किसकी चली है? इसका जोर है, पर ये बताओ ये वर्दी चंद जी को सलटने में कितना टाइम हो रहा है। कंपाउंडर बोला, एक क्लियर टाइटल है, रानी पंचर साइकिल है, थोड़ी देर में फुल एंड फाइनल है। ये सुन एक जना गया शोक संदेश लिखवा आया, एक लकड़ी तुलवा आया, एक लकड़ी तुलवा आया, एक ने फोटो फ्रेम बनाई, गाड़ी तकिया रजाई, हलवाई धर्मशाला बुक करवाई, झाड़ू वाली बाई काम वाली बाई, लेकिन इतनी मेहनत भी काम नहीं आई, परेशान पड़ोसी और जमाई, क्योंकि वर्दी चंद जी की सांसें नहीं रुक पाई। एक रिश्तेदार बुदबुदाया, जल्लाया कि साला मेरी तो छुट्टी पे छुट्टी बिगड़ रही है, कमबख्त इसकी छुट्टी नहीं हो रही है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। कमबख्त इसकी छुट्टी नहीं हो रही है, कुछ रिश्तेदारों की नजर घड़ी पे तो किसी की चाय की थड़ी पर, बोले कि ये क्या यहाँ भूखे ही खड़े रहेंगे, वर्दी चंद जी पता नहीं कब फ्री करेंगे। अरे बहुत बढ़िया लाइन है, पता नहीं कब फ्री करेंगे।
तभी चुपचाप टापो टाप रेस्टोरेंट, कोई पोहा जलेबी मचका आया, कोई मावे की कचौड़ी खाया, तभी अंदर से आवाज आई एक फाइल निपट गई। सबके चेहरे पे मुस्कान छा गई। अरे वाह वाह वाह, ये संवेदनहीन होने की इंतहा है, क्या बात है। सभी चेहरे पर मुस्कान छा गई, पर ये क्या, यमराज ने मजाक जम के किया था। वो तो बाजू वाला नमस्ते हुआ था। जीवन का कैसा फंडा था, तैयार एक एक कंधा था, पर वर्दी चंद अभी तक जिंदा था। वाह वाह वाह, वर्दी चंद अभी तक जिंदा था। एक राय आई कि मृत्यु को निमंत्रण देना होगा। एक ज्ञानी ने दावा ठोका कि मृत्यु को निमंत्रण देना होगा। ज्ञानी का कहा, कागज पे लिखा कि भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण। भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण इस वर्दी को ले जाने को। ओ यमलोक के यमदूतों, तुम भूल न जाना। अरे वाह वाह सिद्धू जी वाह। किसी ने राय बताई कि कोई अंतिम इच्छा मन में रह गई, इस वजह से ये फाइल नहीं निपट पाई। तब वर्दी चंद की धर्म पत्नी ने आंखों ही आंखों में किया इशारा, तो पड़ोस से एक खूबसूरत पड़ोसन को बुलाया। पड़ोसन ने कान में आकर कुछ कहा तो लगा कुछ हुआ। उसने दी खाट पे परिक्रमा, तो मुक्त हुई वर्दी चंद की आत्मा। वर्दी चंद की आत्मा, क्या बात है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया कविता सुनाई सिद्धेश्वर जी। मुझे व्यक्तिगत तौर पे कविता बड़ी पसंद आई और साथ देश को भी पसंद आएगी। सचमुच हम इतने संवेदनहीन हो गए कि हमें किसी का मृत्यु का इंतजार करना भी जो है वो हमसे होता नहीं। ये कब जाए और हम कब अपने अपने काम पर चलें, ये मेरे ख्याल से इंसानियत के अंत की शुरुआत है। लेकिन ये होने लगी है, हम इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो हम रुक के बचाते नहीं हैं। इतना विश्वास लोगों का लोगों पर से उठ गया है कि कोई लिफ्ट मांग ले तो हम देते नहीं हैं, कौन लुटेरा निकले, कौन कोई इल्ज़ाम लगा दे। इतने रिश्ते अविश्वसनीय हो गए हैं कि हमारा एक दूसरे पर से भरोसा उठ गया है। निश्चित तौर पे ये एक भरोसों को जगाने वाली कविता है, ताकि इस कविता को सुन के कम इतना तो करें कि रिश्तों को रिश्ता बनाए रखें। 250 की आबादी का गांव, और उस गांव से निकल के आता है एक लड़का जिसका नाम होता है सर्जन शीतल। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जब यहां होगा पूरा गांव उस पर गर्व करेगा। एटा जहां से आया, एटा उन पर गर्व करेगा कि हमारा लड़का टेलीविजन पे आया और आके उसने जो सुनाया उसके लिए सारा देश कह रहा है वाह भाई वाह। स्वागत करेंगे सर्जन शीतल का, आइए। नमस्कार, मैं एक मुक्तक से शुरुआत करता हूँ, सुनेगा मुंबई वालों। स्वप्न आँखों में लेकर कई आ गए, स्वप्न आँखों में लेकर कई आ गए, गीत गजलें सुनाने नई आ गए, तुम जहाँ हो वहीं से चली आइए, तुम जहाँ हो वहीं से चली आइए, हम तुम्हारे शहर मुंबई आ गए, हम तुम्हारे शहर मुंबई आ गए। चार पंक्तियाँ और सुनेगा, और वो लड़कों की तरफ से हैं, आप अपने अपनी प्रेमिकाओं को ये कहिएगा। सेवा हरदम शुरू सी करेंगे प्रिये, सेवा हरदम शुरू सी करेंगे प्रिये,
और पूजा प्रभु सी करेंगे प्रिय, हम उसे शादी का वादा करो तो सही, हम उसे शादी का वादा करो तो सही। उम्र भर चापलूसी करेंगे प्रिय। एक मुक्तक और सुनिएगा सर जी। सुनाए सर जी। वैसे एक बात बताऊं सर, शादी के बाद कोई उम्र भर चापलूसी नहीं करता, चुनाव खत्म प्रचार खत्म। हम गरल रह गए तुम सुधारस हुई। गरल जहर, गरल मतलब जहर। तो मैंने बता दिया था ना, वापस क्यों बता दिया। हम गरल रह गए तुम सुधारस हुई, हम ही पत्थर अभी तुम तो पारस हुई, हम तो मगहर थे मगहर के मगहर रहे। मगहर वो जगह है, एक तरफ काशी है और एक तरफ मगहर है। जो मगहर में मरता है वो नरक में जाता है और जो काशी में मरता है वो स्वर्ग को जाता ऐसी है। तो सुनेगा है। ये ऐसी मान्यता है, सुनेगा। हम तो मगहर के मगहर थे मगहर रहे, लाडली तुम सुपावन बनारस हुई। वाह वाह वाह। लाडली तुम सुपावन बनारस हुई, बनारस हुई। एक मुक्तक और सुनेगा। नित नए आप आयाम गढ़ती रही, क्या बात है। हर शिखर पर सदा आप चढ़ती रही, हम रुपया से गिरते संभलते रहे, हम रुपया से गिरते संभलते रहे, आप डॉलर से भी तेज बढ़ती रही, डॉलर से भी बहुत बढ़िया तेज बढ़ती रही। बहुत बढ़िया सचिन, बहुत बढ़िया, क्या बात है सर्जन शीतल, क्या बात है जो तुमने सुनाया। हम रुपया से गिरते रहे, आप डॉलर से भी ऊपर बढ़ती रहें, बहुत अच्छे। जिंदगी में मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए, क्या आप डॉलर से बढ़ती रहें और हम रुपया से रहें, ऐसे ही ताकते रहें, ऐसे ही देखते रहें, लेकिन उसकी तरक्की पे खुश जरूर हो। जिंदगी में खुशी बड़ी चीज है, खुशी हम ढूंढने की कहानी थोड़ी इल्मी है। हो अनिल कपूर जी को भूसा पड़ा। हीरो खड़ा हो गया, अब देखो आग वाग जलती है, किसी कुछ याद आता है। हाँ बिल्कुल सर, मैं सुनाऊं चार पंक्तियां। हाँ सुनाओ सुनाओ। आग में भी जलेंगे तुम्हारे लिए। अच्छा, आग देख के तुम्हें याद आया, आग में भी जलेंगे तुम्हारे। इस पूरे सीन में तुम्हें आग दिखी, वाह। आग में भी जलेंगे तुम्हारे लिए, कंटकों पर चलेंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। और ये पंक्ति सुनिए, आनंद लीजिए। नौकरी यदि नहीं मिल सकी तो प्रिय, हम पकोड़े तलेंगे तुम्हारे लिए। हाय हाय, वाह 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 वाह, तुम्हारे लिए, क्या बात है। और ऐसी जब घटना हो जाती है तो उसके बाद एक लड़की ने लड़के से शादी कर ली और कहा कि काश सुबह सुबह बेसन घोल के बैठे हो, तुमने तो कहा था तुम्हारा करोड़ों का बिजनेस है। अरे बहरी ध्यान से तो सुन लेती, करोड़ों का नहीं पकोड़ों का बिजनेस है। वाह भाई वाह, आइए।